Hello students, in this video we will discuss chapter number 2, the age of the Mauryas. Students, in this video we will discuss chandragupta Maurya Bindusara and First we will do get-it section, what is the wheel at the centre of Tiranga called? Tiranga or tricolour, our national flag, in between we have what? Ashok Chakra. Which of this is the national emblem of India? This is our national emblem of India.

एक रूलर के कंट्रोल में लेके आए सोर्सेस तो फ्रॉम वेयर वी आर नोइंग अबाउट द मॉरियन डायनेस्टी सो टू सोर्सेस आर देयर वेरियस सोर्सेस आर देयर बट वेन बी टॉक अबाउट बुक्स टू बुक्स आर देयर फर्स्ट इज इंडिका एंड अदर इज अर्थशास्त्र इंडिका इज रिटन बाय मैगस्थीनीस एंड अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल दीज आर द टू मेन लिटरेरी सोर्सेज इंडिका टेल्स इज अबाउट पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न पीरियड मॉडर्न पीरियड में सोसाइटी कैसी थी पॉलिटिक्स मतलब रूलर्स uh, कैसे हुआ करते थे या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी ये आपको मिलेगा इंडिका में विच इज रिटन बाय मेगस्थनीस एंड अर्थशास्त्र जो बुक है जो कॉटन ने लिखी है इट कंसिस्ट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द मॉरिन्स इट ऑल्सो कंटेन सम इंस्ट्रक्शन डेट एवरी रूलर नीड टू फॉलो इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन द एम्पायर इन अ वेरी प्रॉपर वे आ, अर्थ अर्थशास्त्र में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए रूलर्स के लिए कि उनको उनके एम्पायर को कैसे गवर्न करना चाहिए सी व्हेन वी टॉक अबाउट अदर सोर्सेज अदर सोर्सेज आर रॉक्स एंड पिलर एडिक्स अब एम्प्रेड अशोक एम्प्रेड अशोक के टाइम पे बहुत सारे रॉक्स और पिलर्स पैडिक्स किए गए वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं देखो जैसे ये रही रॉक तो जब हम रॉक्स के ऊपर लिखने लग जाते हैं बच्चा किसके ऊपर रॉक्स के ऊपर लिखने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एडिक्स पिलर्स के ऊपर जब हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एडिक्स बात समझ में आई किसी हाथ uh, सरफेस पे कंपेटिवली किसी ऐसी चीज़ से लिखना जिससे लिखते बन जाए है चीज़ से तो क्या हो गया एडिक्स मॉरियन द पीरियड मॉरियन क्वन से भी आपको उस पीरियड का नॉलेज मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य और वी कैन से चंद्रगुप्त मौर्य द पर्सन एस्टेब्लिश्ड मौरियन डायनेस्टी वैन इन 321 ट्वेंटी ही ओवरथ्रू थ्री धनानंद द लास्ट नंद रूलर नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था धनानंद ओके और जिन्होंने नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी उनका नाम था महापद्मनंद ठीक है तो नंद धनानंद जो थे वो उस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इनको ओवर थ्रू किया नंद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एंड इन द कंप्लीट और एंटायर प्रोसेस चंद्रगुप्त मौर्य वाज एडवाइज्ड और काउंसिल बाय चाणक्य ओके किसके सपोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य बने चाणक्य के ओके okay? विल we'll रीड अबाउट चाणक्य इन पेज नंबर थर्टीन ओके चंद्रगुप्त ने फर्स्ट कनकर्ड मगध पहले उन्होंने मगध को कौन की और किया फिर अपनी पोजीशन को कौन सलाइडेट किया सबको ये रियलाइज करवा दिया कि ये एक अच्छे किंग है ठीक है फर्स्ट ही मेक द पीपल ऑफ मगध सेटिस्फाइड देन ही डिफीटेड द ग्रीट गवर्नर एंड ग्रीक रूल इन पंजाब पंजाब में जो ग्रीक रूल था जो ग्रीक गवर्नर थे उनको डिफीट किया पंजाब से जो ग्रीक रूल था उसको ख़त्म किया दे नहीं कनक्यूट अदर पार्ट ऑफ नदर इंडिया फिर उन्होंने नदर इंडिया के दूसरे पार्ट्स को भी कनकर किया जीता चंद्रगुप्ते मार् ऑल्सो अब्रॉट ऑल दोज किंगडम्स एंड ट्राइब्स वी कैन बाई अलेक्जेंडर इनवेजन अंडर एज कंट्रोल बच्चों जब एलेक्जेंडर इन्वेड कर रहे थे इंडिया को तब बहुत सारी ट्राइब्स थोड़ी सी वीक हो गई थी ठीक है तो जितना भी जो वीकेंड एरिया था उस सबको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने आ, अपने कंट्रोल में ले लिया बाय निकेटर, अ जनरल ऑफ एलेक्सेंडर रूल अक्रॉस रिवर इंडस निकेटर हु वाज रूलिंग देर वेर अक्रॉस रिवर इंडस he wanted to recover the areas which Alexander had conquered in India. Absolutely, because Nicator का ये मानना था वो किसका ही general था बच्चा किसका general था Alexander का general था उसका मानना था कि जो Alexander ने conquer किया था India का part वो उसको वापस चाहिए था but he was defeated defeated by Chandragupta and made to sign a peace treaty. Chandragupta मारे ने उनको defeat किया और उनसे peace treaty sign की चंद्रगुप्त मौर्य द ईस्टर्न अफगानिस्तान बलूचि आप जो सेलिकस निकेटर थे उनको चंद्रगुप्त को क्या क्या देना पड़ा ईस्टर्न अफगानिस्तान बलुचि ये सारा पार्ट सेल्यूकस निकेटर को किस को देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा ही ऑल्सो गिव इज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्युकस निकेटर थी इनकी डॉटर थी उनकी जो मैरिज थी वो किसके साथ हुई बचा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन रिटर्न सेल्युकस ऑफ फाइव हंड्रेड एलिफेंट और रिटर्न में सेल्यूकस को क्या मिला फाइव हंड्रेड एलिफेंट एन एम्बेसिडर ऑफ सेल्यूकस कॉल मेगस्थनीस स्टेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फॉर मेनी ईयर्स सेल्युकस निकेटर के एक एम्बेसिडर थे जिनका नाम था मेगस्थनीस जिन्होंने इंडिका बुक लिखी वो भी थोड़े टाइम के लिए किसके पास रहे बेटा चंद्रगुप्ते मौर्य के कोर्ट में रहे तो सेलिकस निकेटर की प्लानिंग थी कि वो जो एरिया एलेक्सेंडर ने ऑक्यूपाई किया था कनकर किया था उसको वापस ले ले पर हुआ उसका उल्टा चंद्रगुप्त मारे ने सेलिकस निकेटर को डिफीट किया उनसे बलूचिस्तान अफगानिस्तान का ईस्टर्न पार्ट ले लिया इवन जो उनकी डॉटर थी उससे चंद्रगुप्त मारे की मैरिज हुई पर सेलिकस को यहाँ से क्या मिला फाइव एलिफेंट तो जो सेलिकस निगेटर थे उन्होंने अपने उन्हों, किसको बचाया कैंबेसडर अपॉइंट किया मैं को किसके कोर्ट में थे मौर्य की को वो बहुत टाइम तक वहीं रहे नाउ रोल ऑफ चाणक्य चाणक्य आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त और कौटिल्य है चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य सेम पर्सन वाज अ लर्नड ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे ही टॉट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे कौन चाणक्य

मगध के रूलर बन गए तो उनके चीफ एडवाइज़र कौन बन गए चाणक्य ही गाइडेड चंद्रगुप्त मौर्य इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अफिशियंटली हर टाइम चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया गाइड किया किसने बचा चाणक्य ने कि कैसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना है कैसे कैसे अफिशियंटली एडमिनिस्टर करना है गवर्न करना है चाणक्य इज़ वेल नोन well एज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र uh, लिखी है है चाणक्य ने लिखी टेक्स्ट बुक ऑन द ड्यूटीज एंड ऑफ रूलर्स एक रूलर को कैसे होना चाहिए उसकी क्या ड्यूटीज क्या होनी चाहिए ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है नाउ बिंदुसार बिंदुसार का रूल टू से टू सेवेंटी तक चला हाँ मैं बार बार बता चुकी हूँ कि बी सी बी सी ई में बैकवर्ड काउंटिंग होती है जैसे मैं बात करूँ कि मैं 1985 में बॉर्न हुई और कब तक टीचिंग uh, uh, मतलब बॉर्न हो के कब तक हूँ अभी ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक मैं हूँ पर बच्चा जब हम लोग बी सी ए की बात करते हैं तो टू नाइन्टी सेवन से बिंदुसार कब तक रहे टू सेवेंटी थ्री बैकवर्ड चलता है ना हमारे यहाँ फॉरवर्ड चलता है चंद्रगुप्ते वॉज uh, सक्सीडेड बाई हि सन बिंदुसार चंद्रगुप्ते मारे के एक बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसार उन्होंने सक्सीड किया एम्पायर को अंडर हेम मॉडर्न एम्पायर स्ट्रेच अक्रॉस द होल ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर कलिंग बिंदुसार जब रूल कर रहे थे तो मॉडर्न एम्पायर बहुत स्ट्रेच हुआ बहुत सक्सपांड हुआ बस कलिंग जिसका करंट नीम है प्रेजेंट डे उड़ीसा ये उनके कंट्रोल में नहीं था रेस्ट एवरी थिंग इज देयर विद बिंदुसार अन फ्यू किंगडम्स इन द साउथ साउथ के थोड़े किंगडम को छोड़ दो और उड़ीसा को छोड़ दो बाकी सब बिंदुसार के पास था मॉर एंड सैट फ्रेंडली रिलेशन विद किंगडम्स इन द साउथ तो बिंदुसार बहुत इंटेलिजेंट थे जिनको वो कनकर नहीं कर पाया उनके सामने उनके फ्रेंडली रिलेशन थे और उड़ीसा को वो कनकर करना चाहते थे फिर एम्पर अशोक कब से कब तक टू सेवेंटी थ्री टू टू थर्टी टू बी सी ठीक है फिर बैकवर्ड काउंटिंग ध्यान रखना बच्चा अशोक ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर अशोक का नाम बचा ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर में एक की तरह लिया जाता है ही वॉज ग्रेटेस्ट इंडियन ओके बिंदुसारक्सीड किया अशोक ने ही एम्पायर की बाउंड्रीज कंसलीज की गवर्नेंस भी इनकी बहुत अच्छी थी रॉक पिलर सैड स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे रॉक पिलर सेडिक्स करवाए इन्होंने इंडिया में वेल्थ प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक तो अशोक की रिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पिलर एडिक्स से भी मिल जाएगी कलिंग वॉर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो कलिंग uh, उनकी किंगडम का पार्ट नहीं था जिसको हम आज की डेट में ओडिशा बोलते हैं ड्यूरिंग अशोक रिंग बट अशोक की रिंग में कलिंग वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मॉरियन कंट्रोल जब अशोक ने हमने देखा तब हिंदू सार भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे तो जब अशोक ने रीन संभाली अपना रूल स्टे, आ, स्टार्ट किया तो कलिंग उनके पास नहीं था कलिंग स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था कलिंग पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल था आ, क्योंकि यहाँ से साउथ के लिए सी रूट थे अवेलेबल लैंड ऑफ सी रूट टू साउथ इंडिया एंड ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया जाना है तो अभी आप उड़ीसा के पास कोस्ट अवेलेबल है ईजीली जा सकते हैं साउथ में ईजीली जा सकते हैं सो अशोक अटैक कलिंग एंड कंकोड इन आफ्टर अ फायर्स बैटल एक बहुत बड़ा बैटल फायरस बैटल हुआ उसमें अशोक ने कलिंग को जीत लिया कलिंग वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्या बचा कलिंग वॉर द डेथ डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग दैट ही सॉ इन द वॉर टच द टच डीपली बच्चों जितनी सफ़रिंग्स उस वॉर में उन्होंने देखी जितना डिस्ट्रक्शन देखा उससे उन वो बहुत ही डिसहार्टिड हो गए ही वोड नॉट टू फाइड एनी मोर वॉर्स उन्होंने कसम खाली किया मैं आगे कोई वॉर नहीं लडूंगा आफ्टर द कलिंग वॉर अशोक एम्बरेज बुद्धिज़म एंड ही दॉ हिमसेल्फ टू द वेलविंग ऑफ द पीपल अशोक ने कलिंग वॉर के बाद वो किया कि मैं वॉर नहीं करूँगा फिर उन्होंने बुद्धिज़्म को अडोप्ट किया एम्बरेस किया <coughs> और लोगों की वेलबींग में लग गए अशोक धम्म बच्चा धम्म प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मीनिंग धर्म ही होता है धर्म है ना रिलीजन और प्राकृत में उसको धम्म बोलते हैं धम्म विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी अशोक गेव अप द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्योस्ट थ्रू वॉर वॉर के थ्रू अब वो कॉन्क्योस्ट नहीं करना चाहता है कनकर नहीं करना चाहता जीतना नहीं चाहता है जिसको आप ही बोलती टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ कॉन्स थ्रू धर्म वो धर्म के थ्रू जीतना चाहता है जिसको धर्म विजय बोलते हैं स्प्रेडिंग धर्म धम्म बिकम अशोक गोल इन लाइफ अशोक की लाइफ का एक ही एम बच गया वो था धर्म को स्प्रेड करना अब अशोक का जो धर्म था तो उसके क्या क्या रेटिस्टिक्स थे क्या प्रिंसिपल थे द एडिक्स ऑफ अशोक टेल्स अबाउट द आइडिया धर्म धर्म के आइडिया को स्प्रेड करते हैं उनके एडिक्स इट वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल वैल्यूज क्या थे अशोक के धम में कोड ऑफ कंडक्ट्स कैसे आपको रहना है क्या मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और ये सब अशोक ने कहा से सीखा टीचिंग्स ऑफ बुद्ध से थ्रू हिज धम अशोक वॉन्टेड टू इंस्टल अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अशोक इससे टॉलरेंस बढ़ाना चाहता था लोगों में नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट कराना चाहता था वो चाहता था कि सारे लोग अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें और उसने अपने सब्जेक्ट से अपनी किंगडम से क्या आज क्या बोला करने के लिए स्पीक द ट्रूथ हमेशा सही बोलो रेस्पेक्ट अ द रिलीजन दूसरे रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करो फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा वॉट इज़ अहिंसा बच अहिंसा अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस एंड नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं आपको किसी के भी साथ भी वायोलेंस नहीं करना है उनको कोई इंजरी नहीं देना है बी चैरिटेबल टू द पुअर ठीक है अगर कोई पुअर आपके पास कुछ लेने आता है तो आपको उसको कुछ दे देना है बी चैरिटेबल चैरिटी करना चाहिए बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट एंड स्लेव आपके पास अगर कोई स्लेव है सर्वेंट है

दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट ठीक है तो बच्चा जो अशोक थे वो अपनी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उन्होंने अपने एक एडिक्ट लिखवाया है लिखा हुआ है कि जितनी भी किंगडम में मेरी किंगडम में जो लोग हैं जितने भी लोग हैं वो मेरे अपने बच्चों की तरह हैं जैसे मैं अपने बच्चों का वेलफेयर चाहता हूँ कि वो इस दुनिया में भी बहुत खुश रहें इस वर्ल्ड में भी बहुत खुश रहें और आफ्टर डेथ भी बहुत खुश रहें वैसे ही मैं अपनी किंगडम के लिए अपने लोगों के लिए चाहता हूँ सम ऑफ हिज वेलफेयर मेजर्स उन्होंने क्या वेलफेयर मेजर्स लिए उन्होंने अच्छे रोड बिल्ड करवाए ट्रीज़ को प्लांट करवाया अलॉन्ग द साइड रोड रोड के साइड में किसको प्लांट करवाया बच्चे ट्रीज़ को प्लांट करवाया ही कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज फॉर द ट्रैवलर्स जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए उन्होंने रेस्ट हाउसेज बनवाए बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए एनिमल्स के लिए भी और पीपल के लिए भी ही रेगुलरली वेंट ऑन टूर्स एंड ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इस सब्जेक्ट उनके जो किंगडम में जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते हैं बच्चा उनके सब्जेक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया रेगुलरली वो टूर पे जाते थे स्प्रेड ऑफ धर्म और धम्म धम, धम प्राकृत वर्ड है और धर्म संस्कृत वर्ड मीनिंग दोनों का सेम ही होगा अशोक वांटेड पीपल टू तो अंडरस्टैंड धर्म एंड फॉलो इट इन डेली लाइफ अशोक का मानना था कि लोगों को धर्म को समझना भी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए

अशोक अपॉइंटेड ऑफिस धम्म महात्मा अशोक ने धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया धर्म महामात्रास को अपॉइंट किया अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए ये ऑफिसर्स प्लेस टू प्लेस जाते और धर्म को स्प्रेड करते सम ऑफ देम इवन वेन टू श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया एंड इजिप्ट अच्छा अशोक ने धर्म महामात्र को अपॉइंट किया क्यों अपॉइंट किया बच्चा सो दैट ही कैन स्प्रेड इज धमा ऑन मेजर स्केल उस उसमें से कुछ धर्म महात्मा तो कहाँ भी गए बच्चों, श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया इजिप्ट ठीक है अशोक ईशोड मीनी एडिक्स कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म द एडिक्स डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स अशोक कैरीड आउट एंड द मॉरल प्रिंसिपल ही इंकरेज उसने बहुत सारे एडिक्स लिखवाए पिलर्स पे रॉक्स पे, पे और उसमें सारी मॉरल वैल्यूज यूज मॉरल प्रिंसिपल थे जो अशोक एनकरेज करते थे और उन्होंने जो लैंग्वेज रखी वो लैंग्वेज वो थी एडिक्स की जो कॉमन मास को ईजिली समझ में आया दैट वॉज प्राकृत ओनली संस्कृत में कुछ भी नहीं लिखवाया दीज एडिक्स एन ऑन रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर थे अशोक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में ये एडिक्स लगवाए जनरली कहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पे मार्केट्स में टेम्पल्स में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा नंबर में इकट्ठे होते थे वहाँ पर लगवाए कि सारे लोग इनको पढ़ें समझें और फॉलो करें दीज एडिक्स है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इन नेपाल आपको यह कहाँ कहाँ मिल जाएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान और Me, Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem do write in comment section. I will discuss next thing in the next part.